तो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? तो अविश्वास मत करो, उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद खराब हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे, और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो? अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी जी ने आखिरकार दिल जीत लिया लोगों का, अब देखिए किस तरह से उत्साहित थे लोग यहाँ पे जब उन्होंने कहा घर में घुस कर मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी, भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम दबा के किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर भी बात करो ना, मोदी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सही कह रहा है नहीं कह रहा, करो ना भी बात, नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले रहा है, आपको कहना होगा कि चलो नहीं रहा है मोदी झूठ बोल रहा है, करो भी बात, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है मेडी सिटी नहीं बनाए, बोलो ना कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है, सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं
जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा।